देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब सांसद नहीं रहे, उन्हें पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस डिस्क्वालिफिकेशन का कारण एक डिफेमेशन केस में उन्हें सुनाई गई 2 साल की सजा है। लेकिन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वालों को याद होगा, 2013 में जब यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी ने एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही पार्टी द्वारा पुश किया गया एक ऑर्डिनेंस फाड़ करके फेंक दिया था और बोला था दिस इज नॉनसेंस। अगर वो ऑर्डिनेंस कानून बन जाता तो आज राहुल गांधी इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं होते। इस वीडियो में जानेंगे पूरा मामला कि 2013 को वो ऑर्डिनेंस क्या था और आज 10 साल बाद 2023 में वो राहुल गांधी को कैसे बचा सकता था। राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक के कोलर में ये भाषण दिया। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। वैसे राजनीति अपनी जगह है, लेकिन किसी के भी सरनेम को लेकर के एक प्रोटोटाइप सेट कर देना ये अच्छी बात नहीं है। खैर, इस वक्त हम भावनाओं की नहीं लीगैलिटी की बात करेंगे। गुजरात के बीजेपी एमएलए पूर्णेश मोदी को ये भाषण पसंद नहीं आया। जाहिर है नहीं आया होगा, ये सरनेम को लेकर के दिया गया भाषण था। उन्होंने सूरत की अदालत में डिफेमेशन केस राहुल गांधी के खिलाफ फाइल कर दिया और 2019 के उस केस का फैसला अब 2023 में आया, जिसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 83 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, यानी एमपी या एमएलए को, कोई अदालत अगर 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाती है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इसी आधार पर सजा मिलते ही लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने इमीडिएटली राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 84 में यह भी लिखा था कि अगर किसी को सजा होती है तो उसको अपील करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा और 3 महीने के बाद ये डिस्क्वालीफिकेशन अप्लाई होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिली थॉमस केस में एक जजमेंट दिया, जिसके आधार पर ये सेक्शन 84 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, यानी कि जो 3 महीने का समय मिलता था वो भी खत्म। इसी आधार पर राहुल गांधी जी को इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जब अगले ही साल लोकसभा के चुनाव हैं तो ये डिस्क्वालीफिकेशन कांग्रेस को कितना हार्म करेगा ये वक्त बताएगा। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने एक बात कही थी, लाइफ इज अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स, और राहुल गांधी की जिंदगी पर भी एकदम फिट बैठता है। तो आप जानते हैं 2013 का वो ऑर्डिनेंस क्या था जो 2023 में राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन रोक सकता था। तो 2013 में जब लिली थॉमस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 84 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया और ये बताया कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर एमपी एमएलए को इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तब यूपीए सरकार ने, यानी कांग्रेस और उसके अलाइज की सरकार ने, एक ऑर्डिनेंस ला करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने की कोशिश की थी। उस ऑर्डिनेंस में कहा गया था कि दोष सिद्ध होने के बाद भी, सजा मिलने के बाद भी एमपी एमएलए को तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर हुआ क्या, राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये किया। माय ओपिनियन ऑन द ऑर्डिनेंस इज दैट इट्स complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. I'll repeat it for you. My opinion on the ordinance is that it should be torn up and thrown away. उसके बाद कांग्रेस इस ऑर्डिनेंस को भूल गई। फिर पिछले कुछ सालों से देश ही कांग्रेस को भूल गया। चुनाव अगले साल है, भविष्य क्या है किसी को नहीं पता। कौन जानता था कि अगर उस वक्त वो नहीं हुआ होता तो शायद आज राहुल गांधी संसद से डिस्क्वालीफाई नहीं किए गए होते। महत्वपूर्ण मुद्दा कि अब राहुल गांधी के पास क्या क्या विकल्प है। बड़ा विकल्प तो वही है जो भारत के हर आम नागरिक के पास होता है, ऊपर की अदालत में जाकर के न्याय की गुहार लगाना। लेकिन जानकार मानते हैं कि क्योंकि हर चीज के एविडेंस मौजूद है, दोष सिद्ध हो चुका है, तो ऊपरी अदालत में भी राहत मिलना थोड़ी कठिन है। और इस केस में राहुल गांधी को पहले उसी अदालत में अपील डालनी होगी जहां से ये फैसला आया है और वहां रिजेक्शन के बाद ही वो आगे जा सकते हैं। और अगर ये फैसला कोई ऊपरी अदालत कैंसिल नहीं करती तो राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी 8 साल तक की रोक लग सकती है। वैसे ही भारत में हीट वेव्स की आशंका जताई जा रही है और इस मुद्दे ने भारत की राजनीति में भी पॉलिटिकल हीट वेव्स ला दी है। ये बात किसी से छिपी नहीं कि पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल डिबेट्स, भाषण, सबका स्तर बहुत नीचे आ चुका है और इसे कोई एक पार्टी नहीं कर रही, इसमें सब लोग बराबर के भागीदार हैं।
पर्सनल कमेंट्स का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जो शायद किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। ये बिल्कुल मुफ्त है और आपके आशीर्वाद से हमारा हौसला बढ़ाएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।